हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं। आज मैं अपने गार्डन का टूर दूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं कि मेरा गार्डन पे कौन कौन सा फ्लावर है, कौन कौन सा फ्रूट है और मैं अपने गार्डन को कैसे रखता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। तो चलिए वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं। तो ये रहा लीची का पौधा। ये मुजफ्फरी वैरायटी का लीची है। इसको मैंने ग्रो किया था 2014 पर। ये बहुत ही बड़ा हो चुका है और बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर फल देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हो भरपूर फल से भरा हुआ है मेरा ये पौधा। यप, और ये आप लोग देख सकते हो ये पाइनएप्पल का पौधा है जिसको मैंने 8 महीने पहले ग्रो किया था। इसका भी अपडेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर दूंगा। ये रहा मौसम्बी का पौधा। इसको मैंने नींबू के पौधे पर ग्राफ्ट किया है। बहुत ही अच्छा लीफ स्प्राउटिंग हुआ है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं ये कैरेलियन नींबू। ये कैरेलियन वैरायटी का नींबू है। बहुत ही अच्छा स्पीसीज है ये आप लोग देख सकते। ये आप लोग देख सकते हो ये ऑल टाइम थाई मैंगो है। देख सकते हो नया नया लीफ ग्रो होना शुरू हुआ है। तो अभी ये आप देख सकते हो ये थाई पिंक गुआवा अच्छा फिटिंग हुआ है अभी। ये रहा एप्पल का पौधा जो मैंने ग्रो किया था 1 महीने पहले। ये आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा हो चुका है एप्पल का पौधा। और ये है स्वीट टैमरिन जिसको थाई इमली भी बोलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो स्प्राउटिंग हुआ है, यहाँ से बट निकलना शुरू हुआ है। तो इसका भी अपडेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से बट निकल चुका है। तो गाइस ये देखिए ये काली पत्ती चीकू है जिसको मैंने ग्रो किया था 1 साल पहले। तो अभी इसमें बहुत सारे फल भी लगा हुआ है और फूल भी बना हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा साइज है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फूल भी लगा हुआ है। और ये देखिए आप, ये है ग्रेप। ये ब्लैक ग्रेप है जो बाज़ार में मिलता है, वो ब्लैक ग्रेप है। तो अभी हम एप्पल के ये जो एप्पल बेर है इसको मैंने 7 महीने पहले ही लगाया था। तो ये बहुत ही बड़ा हो चुका है और आप लोग देख सकते हो ढेर सारे फल भी लगे हुए हैं। हर एक ब्रांच में फल आ चुका है, ये आप लोग देख सकते हो हर ब्रांच में फल आ चुका है गाइस। इसका भी अपडेट हम आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रहा है इन दिनों, तो इसलिए सब कुछ गंदा होके रखा है। मेरा पौधा और जो गमला है वो भी गंदा हो चुका है पूरा। तो इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिए इस चीज़ को। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सा प्लांट है। तो ये आप लोग देख सकते हो ये क्रिकेट बॉल वैरायटी का चीकू, जो क्रिकेट बॉल होता है उस शेप का इसमें फल आता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फूल बनना शुरू हो चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हो ये इसको बोलते हैं किंग सिली और हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भूत जलोकिया। आप लोग सुने होंगे भूत जलोकिया। तो ये मेरा भूत जलोकिया का प्लांट है। इसको मैंने 6 महीने पहले ही लगाया था। तो इसमें ढेर सारे
फल आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा फल है इसमें। और ये जो चिली है ये बहुत तेज होता है, ये सबसे तेज होता है, इसलिए बोलता है किंग चिली। तो आप लोग देख सकते हो ये। और ये है मेरा आंवला का पौधा जो अभी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है लेकिन फल नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये है एक छोटा सा पौधा, ये पोमाग्रेनेट का पौधा है जो अनार बोलते हैं, वो अनार का पौधा है ये। उसके बाद हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे ये मौसम्बी का पौधा, ये आप लोग देख सकते हो मौसम्बी लगा हुआ है, बहुत ही बड़े साइज में लगा हुआ है। यहाँ पे दो लगा है, नीचे में और दो लगा हुआ है शायद, हाँ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैंने 12 इंच के गमले में ग्रो किया था। तो ये आप लोग देख सकते हो ये हॉग प्लम है जिसको बोलते हैं मीठा आमरा, ये थाई आमरा भी बोलते हैं इसको, ये बहुत ही मीठा होता है। ये आप लोग देख सकते हो ये बांग्लादेशी नींबू है, ये आप लोग देख सकते हो कितने छोटे साइज के गमले में लगा हुआ है ये। हालांकि ज़्यादा फल नहीं है, सिर्फ दो ही फल लगा हुआ है। ये मेरा भिंडी का पौधा है, आप लोग देख सकते हो भिंडी लगा हुआ है थोड़ा बहुत। और ये देखिए आप लोग, ये मलबेरी है जिसको मैंने ग्रो किया था। और इसको कैसे ग्रो करते हैं मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो आप लोग जाके देखिए प्लीज़। तो ये आप लोग देख सकते हो ये मलबेरी का पौधा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे फल आ चुके हैं। देखिए आप लोग सब ब्रांच में फल आ चुका है। ये और एक किंग सिली का प्लांट है ये जो भूत जोलोकिया बोलते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे भूत जोलोकिया है, आप लोग देख सकते हो नीचे में भी है ऊपर में भी है, ये आप लोग देख सकते हो बहुत सारे हैं यहाँ पे। उसके साइड में ही है ये सेरी, जो सेरी सिली बोलते हैं, जो एकदम लाल होता है सेरी की तरह, ये आप लोग देख सकते हो ये चेरी चिली है, ये बहुत ही तीखा होता है। और ये मेरा आम का पौधा, देखिए थोड़ा बहुत आम लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये लोकल आम है, हमारा देसी आम है। अभी हम आप लोगों को ये जो चिली है इसको तोड़ के दिखाएंगे गाइस। तो अभी हम चिली को तोड़ लेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने सब तोड़ लिया है, तो अभी हम इसको रख देंगे घर पे और खाएंगे बाद में। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।